हर शिष्य के लिए मंत्र वर्ण एक होने पर भी मंत्र अलग अलग। हम लोगों ने बहुत से उदाहरण सुन रखे हैं, कहीं अधिक समय ना हो जाए तो कहने को संकोच होगी, इस कारण से विलंब हो गया। तो मैं संकेत कर रहा हूं कि एक ही अक्षर दाता श्रवण है, दानों और मानवों ने किया। उपदेशता एक है, उपदेश एक है, काल एक है, लेकिन विभिन्न अंतःकरण के फलस्वरूप एक ही वर्ण के एक ही उपदेश के अलग अलग तात्पर्य है। अपने शिष्य के लिए अलग एक गुरु का अंत, और इसीलिए इस शरीर के आने जाने का गुरु तत्व से कोई लेना देना नहीं। वो तो नित्य है, और शिष्य को एक बार उपनीत करने के अनंतर तब तक नहीं छोड़ता है जब तक कि वो भी गुरु रूप या आत्म रूप नहीं। उसके लिए गुरु को चाहे कितने अवतार लेने पड़े, चाहे कितनी लीलाएं करनी पड़े, गुरु कृपा करके ये गुरु का अनंत अनुग्रह है जब जीवों के ऊपर। वो गुरु तत्व हमारे गुरुदेव भगवान ने हमको बताया था कि हम पूछना लाल हैं, तो हमने जिज्ञासा कि हमको उसमें ठीक से अभी भी नहीं आता, उस समय तो और थोड़ा नहीं आता कि महाराज जी अब आप लीला संवरण करने जा रहे हो, हमारा संबल अब जीवन में हमारी जो उपलब्धियां हैं वो तो हमको मालूम नहीं, लेकिन संतों और गुरुजनों का अनुग्रह तो हमको बहुत प्राप्त हुआ है, ये तो हम जरूर कृतज्ञता पूर्वक स्वीकार। संतों ने अपना अपनाए हुए हैं, हमारे गुण दोषों की ओर दृष्टि न करते हुए आराधना। तो बहुत अनुग्रहपूर्ण वाणी में उन्होंने कहा, बचाए शरीर तो पंचभौतिक है, इसका तो संबंध देश काल के अनुसार ही प्राप्त होगा, लेकिन हमने जो तुम्हें शब्द दिया है, जो हमने तुम्हें अक्षर दिए, अक्षर जो कभी क्षर न हो, क्षरण के माने हैं उसमें छह प्रकार की कोई भी क्रिया नहीं, वो तुम्हारे लिए एक दीप के समान। इसलिए वो समाधान शास्त्र में है, और उसको हमको अस्वीकार भी नहीं करना, लेकिन वो भोगता भोग कुछ नहीं होता, वो तो अनुग्रह विग्रह है। उनकी जो भी चेष्टाएं हैं, लीला है, उनको कुछ प्राप्तव्य नहीं है, अब कुछ त्याग करने योग्य नहीं है, अपने स्वरूपा स्वरूपानुभूति में आनंद रहते हैं। पूज्य ठाकुरदास जी महाराज जिनके स्मरण के लिए हम लोग यहां संवेद हुए हैं, इसी प्रकार के विग्रह रहे। गुरुदेव के प्रति उनकी क्या निष्ठा थी हम लोगों ने देखी, गुरु उनके दर्शन का सौभाग्य प्राप्त किए, ठाकुर जी के प्रति, गिरिराज जी के प्रति, संतों के प्रति, गौ माता के प्रति उनकी क्या निष्ठा थी हम लोगों ने देखा है। ये उनका करुणा विग्रह है, ये रमण बिहारी का करुणा विग्रह है,
उनके स्मरण में यहाँ समवेत में तो रमण बिहारी का ही स्मरण कर रहे हैं। मेरे महाराज ने कहा था कि महाराज सबको व्यास को उसी रूप में देखते हैं, तो आप ही ने हमको सिखाया है। ये व्यास आए तद रूप में, आप उसी रूप में हैं। तो कृष्ण ही कृष्ण गुणगान कर सकता है, कृष्ण में कृष्ण के गुणगान में और कृष्ण के गुणगान कर्ता में अभेद होता है। ज्ञाता ज्ञान के की त्रुटि नहीं होती है, वही ज्ञातव्य है, वही ज्ञेय है और वही ज्ञान है। तो उस रूप में व्यास आसन पर विराजमान महाराज श्री को अपनी वाक्य सुमनांजलि अर्पित कर अनंत श्रद्धा पूर्वक प्रणाम कर अपनी वाणी को विराम देने को मति करते हैं।